नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अंतर्गत। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 15 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक है, यानी कल से वैकेंसी शुरू होगी। और टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर होगा या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर होगा। ये आप देख सकते हो, जो वैकेंसी है वो इस प्रकार से दी हुई है: दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव, SNB अलवर, दिल्ली, पानीपत। इसके अंतर्गत आपकी ड्यूटी रहेगी। इसमें जो पोस्ट दी गई है वो इस प्रकार से हैं: मेंटेनेंस एसोसिएट की मैकेनिक, दो पोस्ट हैं युवा श्रेणी के लिए, जिसमें 28 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही जो दूसरी पोस्ट है मैकेनिकल एसोसिएट की इलेक्ट्रिशियन से, जिसके अंदर अपर श्रेणी की 12-17 सीटें, OBC की 9, SC की 5, ST की 2, EWS की 3 सीटें हैं। उम्र 18 साल चाहिए, 28 साल चाहिए, 18 से 28 साल, 3 साल का इलेक्ट्रिक फील्ड से डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही तीसरी पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक, इनके लिए 11 पोस्ट हैं। यूआर के लिए, OBC के लिए 5, SC के 3, ST के लिए 1 और EWS की 2 पोस्ट हैं। उम्र 18 से 28 साल, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। मैकेनिकल मेंटेनेंस एसोसिएट के लिए, जो कि सिविल से रहेंगे, 2 सीटें हैं। उम्र 18 से 28 साल, एज रहे इनके लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। साथ ही अगली पोस्टिंग है प्रोग्राम एसोसिएट की, जिसमें 4 पोस्टें हैं। UR की 3, OBC की 1, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इन कंप्यूटर साइंस से, या IT किया हो, या BCA या BSc IT हो। साथ ही नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक से, जिसमें 43 सीटें हैं। अपर श्रेणी के लिए 19, OBC के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 3, EWS के लिए 4, मैक्सिमम एज 25 साल, ITI किया हो, NCVT से या SCVT से, सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का। साथ ही नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसके लिए UR की 13, OBC की 7, SC की 4, ST की 1 और EWS की 2 पोस्टें हैं। साथ ही उम्र 25 साल तक होनी चाहिए। इसमें ITI, NCVT, SCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ट्रेड से। साथ ही टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की 3 सीटें हैं। इसमें 25 साल तक उम्र होनी चाहिए, 18 से 25 साल, और इसके अंदर ITI, NCVT सर्टिफिकेट चाहिए एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड का। साथ ही टेक्नीशियन फिटर के लिए टोटल 18 सीटें हैं, जिसमें UR के लिए 10, OBC 4, SC के 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, उम्र 18 से 25 साल, ITI चाहिए, NCVT SCVT सर्टिफिकेट चाहिए फिटर ट्रेड के अंतर्गत। साथ ही ट्रेडमैन है बेल्डर की 2 सीटें हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं। ITI होनी चाहिए, NCVT SVGT से बेल्डिंग का। साथ ही स्टेशन कंट्रोल, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोल इसके लिए 67 सीटें हैं। इसमें 30 सीटें UR के लिए, OBC 18, SC की 9, ST की 4, EWS की 6, टोटल उम्र होनी चाहिए 18 से 28 साल। इसके अंतर्गत 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक से, या BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में। साथ ही ये जो क्राइटेरिया है वो जो दिया हुआ है एज पर नोटिफिकेशन 11 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग है। साथ ही आप देख सकते हो जो पोस्टें हैं सील नंबर 1 से लेकर 5 तक और 11, इसमें कैंडिडेट को होल्डिंग हायर एजुकेशन चाहिए सिमिलर डिसिप्लिन, मैनी ऑल्सो अप्लाई। साथ ही सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, उसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही इसके अंतर्गत जो एज जो छूट दी गई है वो एज है 5 साल की मैक्सिमम SC ST के लिए, 3 साल की OBC कैंडिडेट के लिए, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इन केस ऑफ जो भी एक्सप्रेसमैन भाई हैं, इन केस ऑफ एक्सप्रेसमैन है या रिलैक्सेशन एज सैलरी परमिटेड एज पर गवर्नमेंट रूल। जितने भी एक्सप्रेसमैन भाई हैं उनको एज पर गवर्नमेंट रूल छूट दी जाएगी, और उनकी जो उम्र है
वो 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज ऑफ 45 ईयर होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होना है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। साथ ही इसमें मेडिकल भी होगा आपका, मेडिकल जो होता है होगा। इसमें जो पेमेंट रहेगा, जो बॉन्ड अमाउंट है वो रहेगा 2 साल के लिए, बॉन्ड रहेगा मिनिमम अमाउंट CL नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर, जो पोस्ट हैं CL नंबर 1 से 5 और 11 का 1.5 लाख रुपये। साथ ही CL नंबर 6 से 10 तक 1 लाख रुपये, ये मिनिमम पीरियड बॉन्ड है 2 साल के लिए। साथ ही आप ये देख सकते हो इसके इसमें जो जो ड्यूटी रहेगी, जो काम मिलेगा वो काम करना है आपको। मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्राम एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर, इनका जो बेसिक पे मंथली रहेगा 35,250 रुपये। ट्रेन ऑपरेटर का 37,750 रुपये। टेक्नीशियन का 23,850 रुपये जो ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। साथ ही आपको जो पेमेंट करना है, पेमेंट होगा UR के लिए यानी अपर श्रेणी के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए और एक्सेसमेंट कैंडिडेट के लिए जो पेमेंट रहेगा, जो नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपये। साथ ही SC ST OBC SC ST कैटेगरी के लिए कोई आपको पेमेंट फीस नहीं करनी है। रिक्रूटमेंट जो फीस है वो इंक्लूड ट्रांजेक्शन प्रोसेस चार्ज प्लस GST के साथ में पेड होगा। साथ ही आपको अप्लाई जो करना है वो इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट है, वो है NCRTC.in, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ रूल दिए गए हैं, जैसे कि आपको फ़ोटो वगैरह 80 KB कम का होनी चाहिए, और अगर आप ESM हैं तो अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं, यानी जो भी डिटेल दी गई है वो आप देख सकते हो, उसी हिसाब से आपको फॉर्म अपना फिलअप करना है। दोस्तों यहाँ मैं जो वैकेंसी देता हूँ वो हर नोटिफिकेशन के आधार पर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आपको बिना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। दोस्तों ये वैकेंसी अगर आपके काम की है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक वीडियो शेयर करने से उनको इस जॉब के बारे में पता लगे और वो इसको अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, तो वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। दोस्तों इसमें जो मैपिंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो जो दिया गया है, इसमें क्या क्या एग्जाम होगा वो आप देख सकते हो किस तरह से होगा, ये पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। दोस्तों ये थी इस वीडियो की पूरी जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। आप व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि उनको जॉब की इस समय इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।